उज़बीशी बिस्मिल्लर वेरी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू सेल्फ कॉन्सेप्ट एक्चुअली सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो तस्वुर है या उसकी जो रियल पिक्चर है उसको अगर हम कंपोनेंट uh, की सूरत में देखना चाहें तो दिस um, मॉडल टैंड और उसमें देर आर थ्री कॉम्पोनेंट मसल पहला कॉम्पोनेंट जो है उसमें सेल्फ इमेज का है ऐसा इमेज जो यानी रियल इमेज है जैसे आईना हमें दिखाता है हमारे कलर्स हमारी शेप हमारे जेस्टर्स तमाम चीज़ें हमें उस आईने में नजर आ रही होती हैं सेल्फ इमेज द सेम वन इज़ हाउ वी आर थिंकिंग वी आर थिंकिंग लाइक अमिर के हम जो हैं जो हमारे अंदर जो सलाहियतें हैं जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कैरेक्ट्रिस्टिक्स हमारे अंदर मौजूद हैं वो हमें उसी तरह से नजर आए हम उस पर कंसनट्रेट करें और इसमें दूसरे दोस्त हमें वो ही आइना जब दिखा रहे होते हैं वो भी एक सेल्फ इमेज हमें बता रहे होते हैं कि व्हाट इमेज वी है लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर जो सूरत है वो ये है कि बच्चा खुद अपने आप को जितना अच्छी तरह समझता है इतने शायद दूसरे लोग उसको नहीं समझते तो लिहाजा हम बच्चे को इस काबिल बनाएँ तो वो कंसनट्रेट करे अपने उस सेल्फ इमेज पर और अपने इमेज के जो मुख्त तरह के कॉम्पोनेट्स उस पर गौर करे और उसकी तरफ वो आए कि वो अपनी सलाहियतों को पहले तो समझे जाने और फिर अगला मरहला वो उसके एग्जीक्यूट करने का है कि उनको सलाहियतों का बजा तौर पर इस्तेमाल हो और उन सलाहियतों की वजह से उसकी ज़िंदगी के अंदर जो कामयाबी है वो मुकद्दर बने इसी तरह आइडियल सेल्फ आइडियल सेल्फ उस वक्त बनता है जब एक इमेज अपना इमेज क्लियर होता है और उसके बाद उसको कुछ चीज़ें कंपैरिजन के लिए मिलती हैं वाइल सींग अदर्स एज अ रोल मॉडल तो वो एक अपना आइडियल डेवलप करता है दिस वन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी फिजिकल पोस्चर इस तरह से उसको पसंद है बातें करना इस तरह से उसको पसंद है तो लिहाजा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चे के लिए वो दस्तियाब करते हैं और इस अंदाज से कि वो उसके साथ इंटरेक्ट करे उनको देखे उनके साथ बात करे अगर बात करने का मौका हो या उसके जो फ्रेंड्स हैं उसको इस तरह से वो पोर्ट्रे हो कि वो उनसे बहुत सारी चीज़ें अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर शामिल कर सके और अपनी उसमें के साथ वो उसका वो तो पैचअप कर सके इसी तरह सेल्फ एस्टीम है एक ऑनरेबल वे है अपनी उन सलाहियतों को देखने का कि हाउ माई कैरेक्ट्रिस्टिक्स एटीट्यूड्स आर एक्सेप्टेड बाई अदर्स दूसरे लोग किस तरह से उसको रिफ्लेक्ट करें उसके अंदर एक सेल्फ़ इस्टीम का उनसर डेवलप होता है दैट आई एम कॉम्पिटेंट आई एम ट्रूथफुल एंड आई एम हैप्पी आई एम हेल्पफुल फॉर द अदर्स तो ये वो उसका सेल्फ इमेज है जो डेवलप हो रहा हो और इसमें अगर कोई डिस्ट्राक्शन आती है तो वो उसको महसूस करता है दैट इज द डिस्ट्राक्शन इन द सेल्फ एस्टीम इफ वी सी मोर द सेल्फ वी कैन सी द द सेल्फ इमेज सेल्फ इमेज रिफ्लेक्टिंग इट्स ओन कंपोनेंट्स रेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स, उसके बारे में उसका अपना इमेज क्या बन रहा है वो किस तरह से अपनी सलाहियतों को देखता है और रियलिटी uh, में अपनी सलाहियतों को देखना असल में एक सोर्स बन जाता है कि हम जब अपनी सलाहियतों को देखना जज करना शुरू कर देते हैं अगला मराली ये है कि वी वॉन्ट टू इम्प्रूव दैट ये इंसान की कमज़ोरी है कि जब उसके सामने उसकी खामी नज़र आती है तो वो उसको दूर करना चाहता है जब उसकी ख़ूबी उसकी रियलिटी उसके सामने होती है उसको वो मेंटेन करना चाहता है और इसमें ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इन फॉर्म ऑफ फिज़िकल कैरेक्ट्रिस्टिक्स और या फिर उसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं उसकी सूरत में वो जो सामने आते हैं पर्सनैलिटी ट्रेड्स में बहुत सारी बातें शामिल हैं उसके फिज़िकल एक्शंस हैं उसका वे ऑफ टॉकिंग है उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसके वो ख्यालात हैं और उसका इजहार है किस तरह से है और फिर उस इजहार के अंदर जो कनेक्टिविटी है जो डेवलपमेंट है जो एक पैशन नज़र आता है दैट इज़ कंपोजिट रिफ्लेक्शन ऑफ दर्सनैलिटी इसी तरह उसका जो सोशल रोल है वो किस तरह से अपने आप को उसका मज़र बनाता है वो किस तरह से अपने रोल को प्ले करता है फॉर बीइंग अ स्टूडेंट फॉर बीइंग अ सोसाइटी मेंबर फॉर बीइंग अ सोशल वर्कर उसका किस तरह से वो रोल है जो वो प्ले कर रहा होता है और हाउ इफेक्टिवली दैट पर्सन इज़ प्लेइंग अ रोल और ये उस तमाम चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी उसका इजहार और उसका जो सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक एटीट्यूट ये सारी चीज़ें मिलके एक इमेज बनाती हैं जो उसके सोशल रोल को डिफाइन करती हैं वो उस अपने सोशल रोल को एक्सेप्ट करता है और वो उसी तरह उसको प्ले करता है एंड बिकमिंग मोर सक्सेसफुल एंड बिकमिंग मोर एनेबल टू मैनेज इट्सल्फ थैंक यू वेरी मच फॉर बींग